Hello everyone, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Canada visitor visa from Australia. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट है या आप टेम्पररी वीजा पे हैं, चाहे वो 408 है, 482 है, 485 है, किसी भी टेम्पररी वीजा पे हैं और कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप ब्रिजी वीजा पे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस, कॉस्ट एंड जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सारी जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, सबसे पहले जो कनाडा का विजिटर वीज़ा का प्रोसेस है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप वहाँ पे किसी लीगल वीज़ा पे होने चाहिए, चाहे आप ब्रीजिंग वीज़ा पे हैं, चाहे सब क्लास 500 पे हैं, 485 पे हैं, 408 पे हैं, 482 पे हैं, चाहे किसी भी वीज़ा पे हैं, आपके पास जो है एक लीगल वीज़ा होना चाहिए। तो उसके बाद जो इसका प्रोसेस होता है, आपको जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है IRCC पोर्टल पे अप्लाई करनी होती है, या GC की पोर्टल पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। जब आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद जो है आप अपना बायोमेट्रिक स्लॉट जो है बुक करके बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कनाडा के वीज़ा के लिए जो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं उनको बायोमेट्रिक भी करवाने पड़ते हैं। देन अगर मैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो $185 है, जिसमें कि $100 जो है उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है एंड $85 जो है बायोमेट्रिक फ़ीस होती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपकी बाय चांस रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो आपको जो है 10 ईयर्स तक दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो है आपके बायोमेट्रिक्स जो है 10 ईयर्स तक वैलिड रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको रीअप्लाई करना है कनाडा का वीज़ा, तो आप जो है सिर्फ $100 में अपना जो है वीज़ा रीअप्लाई कर सकते हैं। आपको $85 जो है दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको जो है फर्स्ट एप्लीकेशन में वो एक UCI नंबर दे देते हैं, जो आपका यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर नंबर होता है, जो कि आपका बायोमेट्रिक का नंबर भी होता है कि आपके जो है बायोमेट्रिक हो चुके हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि ID डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बोनाफाइड स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, जहाँ आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ID डॉक्यूमेंट्स की। ID डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, नेशनल ID यानी कि आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, इसके अलावा डिजिटल पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है। देन आ जाते हैं आपके स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बोनाफाइड स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो उसमें जो है आपको अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास जो कोई प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं, आपने कुछ अपने सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो उसके रिजल्ट्स भी अगर आपके पास है तो वो भी अच्छी बात है। डैन आ जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ID कार्ड हो गया कोई, या कोई और आपके पास यूनिवर्सिटी के प्रूफ है। डैन आ जाती है आपकी COE सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। देन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई टर्म ब्रेक का प्रूफ है अगर आपके पास, कि आपको जो है इस सेमेस्टर की जो है ब्रेक है, तो वो हो गया। देन आ जाती है आपकी स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट लेटर, जो कि आपकी सब क्लास 500 की वीज़ा ग्रांट लेटर होती है। देन आ जाते हैं आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स। इसमें फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको जो है अपनी फैमिली टाइज शो करनी होती है। अगर तो आप मैरिड हैं, आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट या आपके जो स्पाउस है उनका नेशनल ID कार्ड या पासपोर्ट भी साथ में, उनके वीज़ा ग्रांट लेटर भी साथ में अटैच कर सकते हैं, अगर आपके स्पाउस के पास भी वीज़ा। इसके अलावा आपको जो है अपने अदर फैमिली मेम्बर्स की जो है डिटेल्स बतानी होती है, जैसे कि मदर फादर हो गए और आपके भाई बहन हो गए, उनके बारे में जो है आपको इस एप्लीकेशन में बताना होता है, चाहे आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करो लेकिन वो फॉर्म्स में फिल करना होता है। देन आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, चाहे वो आपका कोई रेगुलर सेविंग अकाउंट है, चाहे आपका नेट सेवर अकाउंट है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है, कॉमनवेल्थ में, NZ में, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में, या बैंक ऑफ मेलबर्न में, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसकी आपको जो है स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं या फिक्स डिपॉजिट्स हैं इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में, कुछ भी आपके पास अदर
जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी जो है आप अटैच कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स। अगर तो आप स्टूडेंट हैं और साथ में पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं 24 आवर्स पर वीक, तो आप अपनी कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ज्वाइनिंग लेटर, इसके अलावा जॉब से NOC ले सकते हैं। आपके पास रीसेंट पे स्लिप्स होती होगी वो भी आप जो है अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो है जॉब का कोई ID कार्ड है, जहाँ आपको की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें सैलरी क्रेडिट्स होंगे, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। जो 485 वीज़ा होल्डर्स हैं या 408 वीज़ा होल्डर्स हैं या दूसरे टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके लिए भी जो है ये सेम एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने बताए हैं, जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब की NOC होगी, पे स्लिप्स होगी एंड सैलरी क्रेडिट प्रूफ्स हो गए। सो उनको जो है अपने स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी के, उनको सिर्फ अपने जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही अटैच करने होते हैं। देन आ जाते हैं आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है या आपका वीज़ा स्टेटस, उसमें जो है आपको अपने जितनी भी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है उसके प्रूफ्स देने होते हैं, जैसे कि आपके पासपोर्ट पे जो स्टैम्प्स लगी होती हैं, वीज़ा लेबल्स लगे होते हैं या वीज़ा स्टैम्प्स लगी होती हैं, या आपके पास जो है वीज़ा ग्रांट लेटर है जो शो डैट कि आप वहाँ पे जो है लीगल स्टेटस पे हो। सो गाइस दीज आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर कैनेडा विजिटर वीज़ा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना जो है कैनेडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू एंडेवर इमिग्रेशन, तो आप हमें जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो है एक लीगल रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में, और हम जो है महाराजन से काफ़ी कम प्राइस में जो है आपका वीज़ा लॉन्च करके आपको देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।